आज मैं बनाने जा रही हूँ हलवा, माता रानी के लिए भोग का हलवा, जो कि बहुत ही डिफरेंट लगता है। आप कहेंगे अब हलवे में क्या डिफरेंट है, लेकिन सच मानिए जो हलवा मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही डिफरेंट है। कोई गैस ही नहीं कर पाएगा कि ये सूजी का बना है कि मूंग की दाल का बना है या बेसन का बना है। और ये इतना रसीला, इतना जूसी ये हलवा बनता है जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं माता रानी के भोग का हलवा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विभा और चलिए शुरू करते हैं द मैजिक ऑफ फूड। हलवा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच घी का, और फिर अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। तो मैंने लिया है बादाम जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और फिर लिया है काजू और किशमिश, और अब हम इनको बहुत ही हल्की आंच के ऊपर हल्का हल्का भूनेंगे। इन्हें लाइट ब्राउन होने तक हमें भूनना है। किशमिश हमारी थोड़ी सी फूल जाएगी और जो बादाम और काजू हैं वो हल्के हल्के लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से इतना हमें भूनना है, और अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेंगे। और अब हम लेते हैं एक कटोरी घी। आप कोई एक कटोरी सेट कर लीजिए और उसी के हिसाब से सारी चीजें लीजिए। जैसे कि मैंने ये एक कटोरी ले ली है, मैं इसी के हिसाब से सारी चीजें लूंगी। तो एक कटोरी मैंने इसका घी लिया है और इसे हल्का सा मेल्ट करेंगे। और अब उसी कटोरी का 1/4 हम लेंगे सूजी, 1/4 लेंगे हम गेहूं का आटा और 1/4 लेंगे बेसन। कटोरी हमें सेम ही रखनी है, और अब इसे हल्की हल्की आंच पे हम भूनेंगे। फ्लेम हमारी यहाँ पर रहेगी मीडियम, ना तो बहुत तेज होगी कि हमारे जो बेसन है वो बहुत जल्दी से भुन जाए, और ना ही बहुत ही हल्की रहेगी कि जो हमारी सूजी है वो भुनने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगाए। तो फ्लेम हम रखेंगे यहाँ पे मीडियम कि सभी चीजें बहुत ही इवनली हमारी भुन जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए इन तीनों चीजों को भुनेंगे। बेसन, सूजी और आटे के मिक्स से ये जो हलवा तैयार होता है ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट आता है। आप इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और अब हमारा जो सूजी, बेसन और आटे का मिक्स है ये अच्छे से भुन चुका है, लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है, और अब हम इसमें पानी मिलाएंगे। सभी चीजें हमने 1/4 ली थी तो उसी के हिसाब से हम इसमें करीबन 2 कप के करीब पानी डालेंगे और इसको पकाएंगे। इसे भी लगातार चलाते हुए पकाना है। और अब इस स्टेज पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी सूजी का दाना है वो सफेद रंग का ना रहे, जो कि सूजी के कच्चे होने की निशानी होती है। और अगर आपको यहाँ पे पानी कम लग रहा हो तो थोड़ा सा पानी आप यहाँ पे दोबारा से और डाल सकते हैं, लेकिन पानी डालिएगा एकदम गर्म ताकि जो सूजी का दाना है वो बहुत अच्छे से पक जाए। क्योंकि अगर सूजी का दाना कच्चा रह जाता है तो वो मुंह में बहुत ही रूखा रूखा टेस्ट देता है, तो सूजी के दाने को बिल्कुल गल जाना चाहिए। और अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी। चीनी यहाँ पे मैंने ली है 1 कटोरी, जिस कटोरी से हमने बाकी सब चीजों को मेजर किया था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर चीनी भी ली है, और चीनी ली है 1 कटोरी। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी चीनी बढ़ा सकते हैं, 1/4 कटोरी या 1.5 कटोरी तक भी ले सकते हैं। तो इन सब को अच्छे से पकाएंगे, चीनी को एकदम घुलने देंगे, और फिर हम अपने मिक्स करेंगे ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा इसे और चलाएंगे। और अब हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच घी और डालेंगे और इसको अब अच्छे से पकाएंगे जब तक कि अब इसका घी सेपरेट ना हो जाए। पूरा पानी इसका सूख जाएगा और जो घी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखिए कितना ज्यादा ये जूसी लग रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देखिए कितना ये नरम हलवा लग रहा है, जैसे कि प्रसाद का हलवा होता है, बिल्कुल उस तरीके से इसकी रंगत आई है। और इसका देखिए अब थोड़ा थोड़ा घी भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। हमें इसको लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि घी सेपरेट ना हो जाए और पानी जो है वो पूरी तरीके से ना सूख जाए।
काफी बढ़िया लग रहा है हमारा ये हलवा। और अब हमारा हलवा तैयार हो चुका है, इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और गार्निश करेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स के साथ। बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है, काफी डिफरेंट ये हलवा लगता है। आप भी इस नवरात्रि माता रानी के भोग के लिए इस हलवे को ट्राई कीजिएगा, आपको ये जरूर बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।